लोकसभा की चेयरपर्सन आयशा अर्शद खान लोधी ने अपनी सोशल मीडिया टीम के आजाज में ईद मिलन पार्टी का इनाकाद किया। इस तकरीब से खिताब करते हुए आयशा अर्शद लोधी ने कहा कि बाबा की रूह आज यकीनन खुश हो रही होगी कि जिन मोहब्बतों का दस्त इन्होंने दिया था, हम इसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तकरीब से पहले शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। आयशा अर्शद लोधी ने उम्मीद सुबह के मेंबरान को हिदायत की कि उम्मीद सुबह का पौधा लगाकर मुल्क को सरसब्ज़ शादाब बनाए। बाद अज़ां उम्मीद सुबह सोशल मीडिया टीम को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया। सारे काम मुझे लगता था कि ठप हो गए हैं, कोई काम नहीं हो रहा, तो मुझे बड़ा दुख होता था कि वो एक इंसान जो दिन रात जिसने अपनी जिंदगी सिर्फ सियासत के लिए, उनका ओढ़ना बिछोना थी सिर्फ सियासत की, और उन्होंने अपने इलाके की जो खिदमत है वो एक इबादत समझ के की, जब वो एकदम इतने डाउन हो गए तो मुझे एज ए बेटी मुझे ये बड़ी तकलीफ हुई कि लोगों को असलियत का नहीं पता कि वो बीमार हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, उनकी तबीयत उनको इजाज़त नहीं देती। तो उस सिलसिले में मैंने 5 साल पहले लोधी साहब की ज़िंदगी में इसकी बुनियाद रखी और इसकी जो पहली इमदादी तकसीम थी वो मैंने लोधी साहब के हाथों से करवाई थी। आप सब एक बेलौस खिदमत का जज्बा लिए हुए मेरे आप दस्ते बाजू बने हुए हैं, इसके लिए मैं आप सबकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। और सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस काबिल नहीं थी, मुझे लगता था कि मैं ये कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जैसे ही मैंने ये अल्फाज अपने मुंह से निकाले, आपने यकीन नहीं करना, जब हमने इस सोशल मीडिया का एडवर्टाइजमेंट दी उसके ऊपर सोशल मीडिया पे दी कि हमें चाहिए, लोगों के हज़ारों की तादाद में मैसेजेस हमें मौसूल हुए कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम उनको कैसे रिप्लाई करें। तो ये एक सारी जो एक ये जो सिलसिला चल रहा है या ये एक कड़ी है वो लोधी साहब से ही जुड़ी हुई है। ज़ाहर है कि लोधी साहब ने जो एक सिलसिला शुरू किया था, मैं उनकी बेटी हूँ और ये मैं अपने लिए ब्लेसिंग समझती हूँ, एक मैं अपने लिए अल्लाह ताला का खास करम समझती हूँ। उनकी बेटी होना, अर्शद लोधी की बेटी होना मेरे लिए बहुत ही काबिल फ़ख्र है।